नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल, और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं वास्तु की बात कमल नंदलाल के साथ सिर्फ एस्ट्रो तक पर। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर। आप खास बात और पते की बात, क्या वास्तु अलर्ट, कहीं आप भी तो नहीं रखते अपने घर में आर्टिफिशियल फ्लावर्स? बिगड़ सकता है आपका जीवन, बिगड़ सकता है वास्तु। आइए इस बारे में ज्यादा जानते हैं। फूल 12वें भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, फूल मन का प्रतिनिधित्व करते हैं, भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। फूल हमारे जीवन में बहुत खास अहमियत रखते हैं, जहां पर मन और सौंदर्य की बात आती है। आपने देखा होगा, जब कभी भी हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो कुछ फूल ले जाते हैं। फूल श्रृंगार है भगवान का, फूल श्रृंगार है हमारी भावनाओं का। अगर हमारी भावनाएं अच्छी ना हो या हमारी भावनाओं में कहीं दिक्कत आ जाए तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ जाती है, क्योंकि हमारा मन जो है हमारी आस्थाओं पर चलता है। अगर हम अपने जीवन साथी से जुड़े हुए हैं तो उसके पीछे हमारी भावनाएं हैं। साथ ब साथ में आपने देखा होगा, फूल कभी किसी से कुछ लेता नहीं है, हमेशा देता है, सुगंध देता है, सौंदर्यता देता है। पंच तत्वों में फूल का कैटेगराइजेशन आकाश तत्व से है, और आकाश तत्व का जो फूल है वो मूलतः हानि भाव से संबंध रखता है। लाल किताब में शुक्र का एक बहुत बेहतर उपाय है, जब कभी भी राहु खत्म हो जाता है तो हम राहु को ठीक करने के लिए एक खुशबूदार फूल गंदे नाले में फेंकवाते हैं। ये एक बहुत अच्छा उपाय है राहु के लिए। फूल जितने भी हैं वो शुक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि वो फीमेल पार्ट को संबोधित करते हैं, उसकी कोमलता, फूल का सौंदर्य, फूल का नेचर और फूल की सुगंध जो है वो मूलतः पार्ट जो है वो है 12वें भाव से संबंधित, यानी कि हानि भाव से संबंधित। 12वां भाव हानि के साथ साथ शैया भाव भी कहा गया है, यानी कि बेड एंड इट्स को रिलेशनशिप। जब कभी भी जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं, ऐसे समय पर यूजुअली कुछ उपाय एस्ट्रोलॉजिस्ट सजाते हैं या सजेस्ट करते हैं। उनमें से एक उपाय होता है कि आप लाल कलर का फूल हनुमान जी पर चढ़ा दीजिए या पीले रंग का फूल दुर्गा पर चढ़ा दीजिए। आखिर फूल में इतनी ताकत कैसे है? हम उसको जब प्लक करते हैं, तोड़ लेते हैं, तो वो तो कुछ कर नहीं पाता। दरअसल फूल एक पूरा एलिमेंट है जिसके अंदर जीवन का प्राकट्य होता है। जितने भी पोलन ग्रेन्स होते हैं फूल के, जिसे हम परागकरण कहते हैं, वो जन्मांग चक्र है, यानी कि फूलों को जन्म देने की संज्ञा। और फूल स्वयं में 12वां भाव है। जब हम 12वें भाव को, हानि को ईश्वर पर चढ़ा देते हैं तो हमारी हानि रुक जाती है। ये मूलतः प्रधान है। अगर आप अपने घर में किसी भी तरीके का आर्टिफिशियल फूल लगाते हैं तो उससे फूलों का जो आस्पेक्ट है, 12वें भाव का जो आस्पेक्ट है, वो जीवंत हो उठता है, जिसकी वजह से आर्थिक हानि के साथ साथ आपके संबंधों में भी विच्छेद आ जाता है। जहाँ कहीं भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स का प्रयोग होता है वहाँ पर सर्वदा प्रॉब्लम जो आती है पति पत्नी के बीच में संबंधों को लेकर आती है। साथ साथ प्रॉब्लम जो आती है वो आती है हानि की। यदा कदा जब कभी भी जीवन में हानि का आस्पेक्ट बढ़ जाता है तो अपने घर में ज़रूर ये चेक कर लेना चाहिए कि आर्टिफिशियल फ्लावर्स तो नहीं है, क्योंकि अगर आर्टिफिशियल फ्लावर्स अगर हैं तो वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं समस्याएं लेकर आ सकते हैं, और वो जो समस्याएं हैं वो संबंधित हो सकती हैं आर्थिक और निजी। तो इसलिए घर में निजी तौर पर कभी भी बेडरूम में फ्लावर्स नहीं लगाने चाहिए, अन्यथा प्रॉब्लम निजी लाइफ में आ जाती है। कभी भी डेकोरेशन में, भगवान के डेकोरेशन के अंदर भी उनको कभी आर्टिफिशियल फ्लावर का हार नहीं पहनाना चाहिए, अन्यथा
बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है आपके भाग्य में। कभी भी घर के ड्राइंग रूम में या ऐसी वैसी एरियाज में जहाँ पर दर्शना ज़्यादा होती हो, वहाँ पर आर्टिफिशियल फ्लावर लगाने से हानि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कई लोग अपने घर के सामने पोर्च में या बालकनी में भी आर्टिफिशियल फ्लावर से सजावट करते हैं। वहाँ पर आर्टिफिशियल फ्लावर का लगाना आपके जीवन में आपके दाम्पत्य संबंध और आपके निजी संबंधों को बिगाड़ देता है। यही एक मूलभूत कारण है कि आर्टिफिशियल फ्लावर्स का इस्तेमाल वास्तु दोष पैदा कर देता है, जिससे साउथ ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये जो दो सबसे प्रमुख डायरेक्शन है, ये कहीं ना कहीं पीड़ित होती है। तो फ्रेंड्स, जाने से पहले आपके लिए एक बहुत खास वास्तु टिप। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति हो, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में हानि से आप मुक्ति पाएं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में आप भाग्य को उदय करें, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके निजी संबंध सुधरें, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको लाल और गुलाबी फूल एक फ्लोटिंग एक पॉट में, चाहे वो क्रिस्टल का पॉट हो चाहे वो ग्लास का पॉट हो, उसके पॉट में आपको फ्लोटिंग फ्लावर्स जो हैं वो 12 एटलीस्ट हफ्ते में एक बार फ्राइडे के दिन रखना चाहिए, जिसके कारण आपके लाइफ में जो नेगेटिविटी का फैक्टर है उससे आप निजात पा सकें। तो फ्रेंड्स, हम आपसे और भी नए टॉपिक लेकर आगे भी मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।